हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्री पल्लू स्टाइल की कुछ फैशन टिप्स शेयर करने वाली हूँ। आजकल कोई भी ओकेजन हो, इवेंट्स हो, अगर आप साड़ी पहनना चाहते हो तो इस तरीके की जो स्टाइल है वो ट्रेंडिंग में है, तो ज़रूर इसे अपनाइए। इसे ओपन पल्लू या फिर फ्री पल्लू कह लीजिए। तो ये जो स्टाइल है वो बहुत से सेलिब्रिटीज़ चूज़ करना पसंद करते हैं, इससे एक ग्लैमरस लुक आ जाता है। तो अभी मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने प्लेन साड़ी पहनी है तो ब्लाउज़ को थोड़ा सा डिज़ाइनर रखिए, उसके ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी या फिर कुछ वर्क या फिर लेस रहनी चाहिए। और इसे आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने साड़ी डिज़ाइनर पहनी है तो ब्लाउज़ को प्लेन रखिए। नेक्स्ट, फ्री पल्लू छोड़ना है आपको तो इस का जो वन स्ट्रैप वाला ब्लाउज़ होता है उसे मत वेयर कीजिए, आपके सारे लुक को बिगाड़ देगा। तो आपको अलग अलग पैटर्न्स को ट्राई करना चाहिए। और अगर आप इस स्टाइल से पल्लू को कैरी करते हो तो ये भी आपको नहीं करना है, इसमें आप थोड़े से हैवी दिखोगे। तो अगर आपको पल्लू कैरी करना है तो आप इस तरह से अपने हाथ के नीचे से ले सकते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इस स्टाइल में जो काट पदर यानी कि जो बॉर्डर वाली साड़ियाँ होती है उसे ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा लुक देती है। या फिर आप इस तरीके की जॉर्जेट या फिर नेट वाली साड़ी भी कैरी कर सकते हैं, वेयर कर सकते हैं। सभी एज ग्रुप के लिए ये फैशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और एवरग्रीन है। आप इसे आज भी ट्रेंडिंग में देखोगे। फ़ोटो अगर आपको क्लिक करवाने हैं तो आप अलग अलग तरीके के इस तरह के पोजेस ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं। अच्छे अच्छे पोजेस हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इस साड़ी स्टाइल के साथ आप ओपन हेयर रख सकते हैं अगर हम हेयर स्टाइल की बात करें तो, और बन बनाएंगे तो एक अच्छा सा ग्रेसफुल लुक मिलेगा, अट्रैक्टिव लुक मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको इस स्टाइल के ऊपर बन रखना चाहिए और गजरा वगैरह लगाकर एक अच्छा सा लुक आप क्रिएट कर पाओगे और ज़रूर कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव कर पाएंगे। पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए आप पल्लू को ज़्यादा लंबा, ज़्यादा लेंथ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा टाइम के लिए इवेंट अटेंड करना है तो पल्लू को थोड़ा सा कम लेंथ तक ही रखिए। उसके साथ आपको ज़्यादा ज्वेलरी कैरी नहीं करनी है, सिर्फ आप इयररिंग्स के पैर कैरी कर सकते हैं या फिर गले में जो चोकर होता है, नेकलेस होता है, वो सिंगल पीस स्टेटमेंट पीस को आप कैरी कर सकते हैं, वेयर कर सकते हैं। इस स्टाइल के साथ क्लचेस को होल्ड करना थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल है, तो आप ज़रूर पोटली को प्रेफरेंस दे सकते हैं। आई होप को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन।